नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। युवाओं को साधने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छात्र संघ चुनाव को मुद्दा बनाया है। इसी बीच आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल प्रदेश भर में दौरा करने के बाद जयपुर में आयोजित छात्र अधिकार हुंकार रैली में शामिल हुए। इस दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने भाजपा की गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि वह पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची है। भाजपा में 12 दूल्हे एक लुटेरी दुल्हन है, ऐसे में अब तोरण कौन मारेगा, यही सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बेनीवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर कहा कि अब उनकी पार्टी में कोई इज्जत नहीं है। उनके कहने पर एक कांस्टेबल तक का तबादला नहीं हो सकता है। वे पानी का एक टैंकर भी किसी की मदद के रूप में नहीं डलवा सकते हैं। पायलट की गाड़ी अब पूरी तरीके से पंचर हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही सहायक आचार्य एग्जाम के आवेदन फॉर्म में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले 297 कैंडिडेट ने किया है। जब इन कैंडिडेट के फॉर्म की जाँच की तो पता चला कि दो स्टूडेंट ने अपने आप को 40 से ज्यादा सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट बताया। मामला सामने आने के बाद अब आरपीएससी की ओर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी हो सकता है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस पोस्ट के लिए कुल 2,01,136 आवेदकों ने अप्लाई किया है। जब इनकी जाँच की गयी तो सामने आया कि 297 ने 4 से अधिक विषयों में आवेदन किया। जब इन कैंडिडेट से बात की ये सारी जानकारी झूठी पाई गई। आरपीएससी की ओर से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। धौलपुर विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में एक दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि सरमथुरा थाने में पीड़ित ने 18 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दी कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी 13 नवंबर को शाम के समय बाजार से अपने घर आ रही थी। रास्ते में 3 लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। नाबालिग अपने घर में घुसने लगी तो एक लड़के ने नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसकी माँ और भाई उसे बचाने के लिए बाहर आए तो तीनों लड़कों ने माँ और भाई से मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान दोनों लड़कों को बाल अपचारी मानकर उन्हें डिटेन कर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष पेश किया, जबकि मुलजिम कल्ला उर्फ कल्याण को पोक्सो कोर्ट में पेश किया। अलवर में 3 बदमाशों ने महज 4 मिनट में पंजाब नेशनल बैंक से 6,83,000 रुपए लूट लिए। बैंक में गए बदमाशों ने पहले कर्मचारियों और ग्राहकों पर पिस्तौल तानी और इसके बाद सभी को कमरे में बंद कर दिया। घटना गढ़ी स्वाईराम कस्बे के महावीर जी नेशनल हाईवे स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। बैंक में घुसते ही कैशियर व अन्य कर्मचारियों की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और ग्राहकों को भी कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान कैश काउंटर जितना कैश मिला बैग में भरकर फरार हो गए। बैंक कर्मियों ने बताया कि बैंक में 6 कर्मचारी थे। लूट करने के बाद बदमाश बाइक पर सरस डेरी के सामने वाले रोड से गोठड़ा की तरफ भाग गए। एडिशनल एसपी सुरेश खींचे के अनुसार बैंक कर्मी टीना मीणा व बाबू चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि तीनों बदमाश युवक 20 से 25 वर्ष की उम्र के थे। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। भिवाड़ी जिले के तिजारा में 3 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों तिजारा के रहने वाले आरोपी लोकेश उर्फ लौकी अनिल सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में अन्य कुछ लोगों की तलाश जारी है। थाना अधिकारी राजकुमार मीना ने बताया कि 8 सितंबर को महराणा के रहने वाले असलम मेव ने मामला दर्ज करवाया था कि 8 सितंबर को रात 8 बजे दुकान से उसका भाई वकील मोहम्मद घर आ रहा था। जैसे ही वह नसियाजी के पास पहुंचा तो तिजारा के रहने वाले लोकेश अनिल सुनील और करीब 4 अन्य व्यक्तियों ने रंजिश के कारण उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही युवाओं का विरोध लगातार बढ़ने लगा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले 30 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगारों ने जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया। बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने इसी महीने में हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो अक्टूबर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए काफी घोषणाएं की हैं, लेकिन उन्हें के अधिकारी मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। अगर जल्द से जल्द बेरोजगारों की लंबित सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट की चोट से इसका जवाब देंगे। हरियाणा के अंबाला में पति पत्नी को CTU में कंडक्टर लगवाने का सपना दिखा 5,80,000 रुपए हड़प लिए। शातिर ठग पति पत्नी को गुमराह कर पैसे हड़पता गया। पति ने नौकरी के चाह में पत्नी के जेवर और जमीन तक बेच दी। पीड़ित ने बताया कि अब उसकी वैवाहिक जिंदगी भी दांव पर लग गई है। गांव सुबरी निवासी रमेश कुमार ने बताया कि वह सुखमनी कॉलेज डेरा बस्सी में टीचर है। एक दिन उसकी मुलाकात अंबाला कैंट बस स्टैंड पर गांव बराड़ा निवासी रमनदीप सिंह से हुई, जो कि बचपन में उसके साथ पढ़ा है। रमनदीप सिंह ने कहा कि मैं आपको व आपकी पत्नी रितु को भी कंडक्टर की नौकरी लगवा देगा। आरोपी ने कई बारी में पीड़ित रमेश कुमार से नगद, ऑनलाइन और चेक के जरिए 5,80,000 रुपये ले लिए और फिर बहाने बनाकर टालता रहा। बराड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में ATM कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग का आरोप है कि दो युवकों ने अकाउंट से पैसे विड्रॉल नहीं होने पर मदद का झांसा देकर कार्ड लिया और खाते से 1,30,000 रुपए की निकासी कर ली। रामगंज थाने में कंचन नगर अजमेर निवासी 67 वर्षीय चांदमल लोहार ने बताया कि वह सुभाष नगर चुंगी रिलायंस फ्रेश के पास PNB ATM से पैसे निकालने गया। उसी वक्त दो अनजान व्यक्ति ATM में थे, पैसे विड्रॉल करने में मदद करने के बहाने ATM बदल दिया। बाद में जब मैसेज मिला तो पता चला पहली बार में 1,00,000 रुपए व 10,000 रुपए तीन बार विड्रॉल किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के वैशाली नगर थाने में एक 30 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर करीब 2 साल से उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई है। थानाधिकारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि डीग जिले के नगर थाना इलाके की रहने वाली पीड़िता महिला हाल अलवर निवासी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि लॉर्ड्स सिटी होम आवासीय सोसाइटी के फ्लैट में हनी नाम का युवक रहता है, जिससे उसकी मुलाकात हुई। आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया और वह अक्टूबर 2022 में उसे अपने फ्लैट पर लेकर गया, जहां दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। तभी से आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ हरियाणा का गौरक्षक मोनू मानेसर गैंगस्टर बनना चाहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोनू गैंगस्टर लॉरेंस के ग्रुप में शामिल होना चाहता था। इसके लिए वह लगातार लॉरेंस के भाई अनमोल से संपर्क में बना हुआ था। गिरफ्तारी से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच एक विशेष ऐप सिग्नल के जरिए बातचीत भी हुई। मोनू मानेसर की बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल से 27 अगस्त से शुरू हुई। इस दौरान दोनों के बीच सिग्नल ऐप के जरिए ही इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल भी एक्सचेंज हुए। सिग्नल पर ही दोनों के बीच मैसेज का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों की बातचीत की पूरी डिटेल से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुलिस के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नागौर जिले के कुचामन सिटी शहर के डिडवाना रोड स्थित एक शोरूम से 2,50,000 रुपए की लूट हो गई। अपाचे बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने महिंद्रा एजेंसी के शोरूम में दाखिल होकर 2,55,900 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी शोरूम में दाखिल होकर नोटों से भरा थैला उठाकर बाइक से फरार हो गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गिरधारी रायका निवासी भावंता ने पुलिस को बताया कि बैंक से 2,55,900 रुपए चेक से निकलवाकर बैग में डाले, डिडवाना रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में गाड़ी लेने गया। 2 रुपयों से भरा बैग काउंटर पर रखा।
कुछ देर में बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि लाल रंग की टी शर्ट पहना एक लड़का आया और बैग लेकर भाग गया। थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने कहा कि आरोपी बाइक पर सवार होकर बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी की तलाश की जा रही है।